और कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात लगा हुआ है। तो वहीं पन्ना में एक नर्स ने अस्पताल संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पन्ना के मदर टेरेसा हॉस्पिटल के संचालक फादर टूजी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आरोप हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स ने लगाया। आरोप लगाने वाली स्टाफ नर्स को संचालक फादर टूजी ने नौकरी से निकाल दिया है। पन्ना का मदर टेरेसा हॉस्पिटल पहले भी सुर्खियों में रहा है। आरोप है कि अस्पताल की कई स्टाफ नर्सें प्रबंधन की प्रताड़ना से परेशान है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। हॉस्पिटल का यह पहला मामला है जो थाने पहुंचा। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की बात कही है। वहीं अस्पताल संचालक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये बिल्कुल गलत बात है। आज तक हमने अपना किसी भी स्टाफ को अकेले ऑफिस में बुलाए थे नहीं है। हमने ये बोला है कि किसी भी स्टाफ को मेरे ऑफिस में आना है, लेडी स्टाफ को, तो वो अपने इंचार्ज के साथ आएंगे। और यदि किसी स्टाफ को मैं बुलाता हूँ, वो आने के पहले कोई भी सीनियर नर्सिंग स्टाफ को बुला के ही मैं अपने ऑफिस में रखते हैं, ताकि ऐसे बातें ना हो। ये आप हमारे हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ से पूछेंगे, ये आपको मालूम पड़ेगा। ये जो आरोप लगाए हैं ये 100% गलत है। मदर टेरेसा की एक नर्स थी, उसने एक आवेदन दिया है, उसको फादर के खिलाफ 354 की FIR दर्ज हुई है, जाँच की जा रही है। पहले भी ऐसा सुनने में आया है, लेकिन बहुत से लोग सामने नहीं आए। नहीं, मामले नहीं आए अपने पास उसके, मतलब ये पहला आवेदन आया है, उसमें FIR की जांच की जा रही है।